देखिए, मैं इस बात को इस दृष्टि से देखता हूं कि हम लोगों को एक विभाजक रेखा बनानी पड़ेगी और एक डिवाइडिंग लाइन तैयार करनी पड़ेगी। वो डिवाइडिंग लाइन ये होगी कि अंग्रेजों के भारत में कब कदम पड़े, यानी 18वीं सदी के मध्य में जब अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी जीती, उसके पहले क्या था और उसके बाद क्या था। उसके पहले भारतीय भाषाएं और भारत की जो बड़ी भाषाएं थी जिनसे अन्य भारतीय भाषाएं प्रभावित रहती थी, जैसे संस्कृत का नाम सबसे ऊपर है, और उसके बाद उसमें फारसी को भी जोड़ सकते हैं जिसने भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया, लेकिन उतना नहीं जितना संस्कृत ने प्रभावित किया, क्योंकि संस्कृत तो भारतीय भाषाओं के व्याकरण के आधार में भी है और भारतीय भाषाओं की जो शब्द संपदा है उसमें संस्कृत का बहुत जबरदस्त योगदान है। तो ये उस वक्त भारतीय भाषाओं में संस्कृत और फारसी की मदद से और उनके बीच में होने वाले आदान प्रदान से बहुत बड़े पैमाने पर ज्ञान की संपदा तैयार हो रही थी। तेलुगु में, उड़िया में, बांग्ला में, हिंदी तो तब इतनी आज की हिंदी तब मौजूद नहीं थी, लेकिन और दक्षिण भारतीय इतनी भाषाएं हैं, तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में, बहुत बड़े पैमाने पर ज्ञान की रचना हो रही थी और वो ज्ञान भारतीय समाज की जरूरतों को पूरा करने वाला था और उसके जरिए ये भाषाएं देश और समाज की सेवा करती थी। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद में पहले दौर में तो इस तमाम ज्ञान का अध्ययन किया और यहां की तमाम पांडुलिपियां उन्होंने हासिल की। उसके बाद में एक बार जब ये दौर समाप्त हो गया, उसके बाद उन्होंने इस ज्ञान से जितना जितना दोहन कर सकते थे उतना दोहन उन्होंने अपने मकसदों से उसका किया। उसके बाद में जो मैकाले प्रकरण हुआ उसमें उन्होंने इसी ज्ञान को बेकार घोषित कर दिया, बता दिया कि फिजूल का है ये जो नया भारत बनने वाला है, जो हमारे नेतृत्व में बनेगा, उसके ये किसी काम का नहीं, उसके लिए पश्चिमी ज्ञान ही जरूर। उसके बाद भारतीय भाषाओं में जो ज्ञान पैदा हुआ है, क्योंकि संस्कृत और फारसी में तो नए ज्ञान के निर्माण के दरवाजे उन्होंने बंद कर ही दिए, और उसके बाद जो भारतीय भाषाएं थी, जो अन्य भारतीय भाषाएं थी, जिसे आप देश भाषाएं कह सकते हैं, जिनका एक बहुत ही फूहड़ और एक बहुत ही नकार दिए जाने वाला शब्द है वर्नाक्युलर, इसका मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं उन्हें देश भाषा कहता हूँ। वर्नाक्युलर यूरोपियन संदर्भ में इस्तेमाल होता है। जो देश भाषा है, जिस हिंदी एक देश भाषा है या तमिल एक देश भाषा है, बंगला एक देश भाषा है, तो ये देश भाषाएं थी। इन देश भाषाओं में जो ज्ञान पैदा हुआ वो दरअसल वो ज्ञान नहीं था जो कि अंग्रेजों के आने से पहले पैदा होता था, वो दरअसल पश्चिमी ज्ञान ही पैदा हुआ। तो आज स्थिति यह है कि हमें तमिल में पढ़ाया जाए, हमें तेलुगु में पढ़ाया जाए, या हिंदी में पढ़ाया जाए, या बांग्ला में पढ़ाया जाए, किसी भी भाषा में हमें पढ़ाया जाए, भले ही हमें अंग्रेजी और फ्रेंच में ना पढ़ाया जाए, तब भी दरअसल ज्ञान का रूप वही है जो कि अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, उनके बीच में कोई फर्क नहीं रह गया। तो अंग्रेजों की ये जो कारिस्तानी है, यानी उपनिवेशवाद की जो कारिस्तानी है, वो बहुत गहरी और व्यापक है। इसको केवल हम लोग भाषा बदलने से इस कारिस्तानी का जवाब नहीं, कारिस्तानी की काट नहीं कर सकते। तो न केवल भाषा को हमें बदलना होगा, क्योंकि भाषा बदलने का मतलब ये होता है कि जैसे हम अपनी भाषा में जाते हैं तो ज्ञान के लोकतंत्रीकरण की संभावनाएं खुल जाती हैं, लेकिन वो किस ज्ञान के लोकतंत्रीकरण की संभावना है? वो ज्ञान जो कि अब पहले अंग्रेजी में मौजूद है और वही हमारे पास हमें थमाया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था के जरिए, या वो ज्ञान जो कि हम पश्चिमी प्रभाव से मुक्त होकर अपने समाज के साथ अपने जीवन संपर्कों के जरिए रचेंगे? ये संघर्ष दोहरा संघर्ष है, न केवल ये भारतीय भाषाओं की स्थापना का संघर्ष है ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान रचना के क्षेत्र में, बल्कि ये संघर्ष भारतीय ज्ञान की स्थापना का भी संघर्ष है। और भारतीय ज्ञान की स्थापना का मतलब यह नहीं है कि जो पश्चिम का ज्ञान है उसे हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। पश्चिम के ज्ञान को अपनी शर्तों के आधार पर इस्तेमाल करने का आग्रह, उस वैसी क्षमता तब हमारे अंदर आएगी जब हम जिस ज्ञान के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए गए थे उन दरवाजों को खोलकर हम पता लगा लेंगे अगर वो क्या चीज थी जिसका इस्तेमाल करने से हमें रोक दिया गया, वो कौन सी खिड़कियां थी जिन खिड़कियों में झांकने पर पाबंदी लगा दी गई, या जिनकी खिड़कियों में झांकने के
के बारे में कहा गया कि इनके झांकने से कुछ नहीं प्राप्त होगा और हम अपने भविष्य की रचना नहीं कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। और जब असल होता है या तो लोग इसी बात में फंस के रह जाते हैं कि भाई भारतीय भाषाओं में काम हो। मैं खुद भी फंसा रहा हूं मुद्दतों से इस काम में। ऐसी मैं दूसरों से क्या कहूं। मेरे ख्याल से मेरे अपने जीवन के 15-16 साल ऐसे रहे जब मैं खुद इस आग्रह को जोरदारी से कहता था कि केवल अगर हिंदी में काम होगा, भारतीय भाषाओं में काम होगा, तो हम एक नए ज्ञान की रचना कर पाएंगे, एक नई ज्ञानात्मकता तैयार कर पाएंगे। बाद में मुझे लगा कि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हिंदी में वही ज्ञान रचा जा रहा है जो अंग्रेजी में मौजूद है। वही सारे फिलोसफर, वही सारे सिद्धांतकार हैं जिनके बारे में अंग्रेजी में चर्चा होती है, उन्हीं के जरिए हिंदी में भी जो ज्ञान रचा जा रहा है वो संसाधित हो रहा है। क्योंकि दिक्कत यह है कि उपनिवेशवाद का जो ज्ञानात्मक प्रसार है, मैं उपनिवेशवादी राजनीति और अर्थनीति की बात नहीं कह रहा हूं, उपनिवेशवाद का जो ज्ञानात्मक प्रसार है उसका दबदबा इतना ज्यादा है उन देशों में भी है जहां उपनिवेशवाद नहीं रहा। जैसे चीन दोस्त तरह से उपनिवेशित नहीं हुआ, जापान दोस्त तरह से उपनिवेशित नहीं हुआ, वहां भी आप वही दबदबा पाएंगे उसका। वो चीनी भाषा में वही ज्ञान होता है। तो होता यह है कि इतना दबदबा ज्यादा है कि ज्ञान का एक ही रूप बाजार में रह गया है। ऐसा नहीं है ज्ञान के कई रूप मौजूद है और उनके बीच में एक प्रतियोगिता हो रही हो और हमें चुनने की स्वतंत्रता हो कि हम ये ज्ञान ले लें, ये ज्ञान ग्रहण करें, ये ज्ञान ग्रहण ना करें, ये पूरा ग्रहण करें, ये आंशिक रूप से ग्रहण करें। ये सुविधा रह ही नहीं गई हमारे लिए। हम सबकी शिक्षा, हम सबका प्रशिक्षण एक ही किस्म के ज्ञान में हुआ है। हमारे पास सबके पास चश्मा और ज्ञान के जो उपादान है वो एक ही किस्म के है। हम कुछ भी, अगर मान लीजिए किसी भारतीय गांव का अध्ययन करना जाए, हम किसी मोहल्ले का अध्ययन करना जाए, किसी राजनीतिक प्रणाली को देखें, किसी दल को देखें, किसी नेता का अध्ययन करना जाए, कुछ भी कर, संस्कृति के किसी रूप का अध्ययन करें, साहित्य के किसी रूप का अध्ययन करें, तो हमारे पास जो उपादान है यानी जो फार्मूले हैं, जो सिद्धांत हैं, वो सब एक ही किस्म के हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो नतीजे सब वही निकलते हैं।